आज यहाँ पर उपस्थित भक्त सज्जन वृंद और मातृवृंद, आज हमारे आध्यात्मिक जीवन में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। भगवान श्री कृष्ण के प्रथम विस्तार रूप श्री बलराम जी का आज शुभ आविर्भाव उत्सव सारे विश्व में मनाया जा रहा है। भगवान श्री बलराम कृष्ण के प्रथम विस्तार रूप हैं और जिस प्रकार शास्त्रों में बताया गया है कृष्ण वंदे जगत गुरुम, तो भगवान श्री कृष्ण जो सारे जगत के गुरु हैं, सारे जगत को दिव्य ज्ञान की शिक्षा देते हैं और वस्तुतः समस्त वेद पुराण उपनिषदों का ज्ञान भगवान कृष्ण से ही आता है और भगवान कृष्ण ने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को ये ज्ञान का उपदेश प्रदान किया था और ब्रह्मा जी ने नारद, नारद जी ने व्यासदेव को, इस प्रकार गुरु शिष्य परंपरा क्रम से ये ज्ञान हमारे पास आ रहा है। किंतु इस दिव्य ज्ञान के साथ साथ भगवान की जो सेवा भाव है, ये सेवा भाव बहुत आवश्यक है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण यही उपदेश देते हैं कि उनकी सेवा करके, उनको प्रसन्न करके उनको प्राप्त किया जा सकता है। तो इसलिए शास्त्र में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण ये अपने को विस्तार करते हैं श्री बलराम जी के रूप में, और कहा गया है कि बलराम जी भगवान श्री कृष्ण के प्रथम विस्तार रूप हैं। तो जिस प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं कि सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान ताहर द्वितीय देह श्री बलराम। तो सारे अवतारों के स्रोत हैं भगवान श्री कृष्ण, इसलिए उनको अवतारी कहा गया है, सर्व अवतारी। और स्वयं भगवान कृष्ण है, जिस प्रकार श्रीमद् भागवतम में सुत गोस्वामी जब वर्णन करते हैं कि भगवान के असंख्य अवतार हैं, अवतारा ही असंख्या, भगवान के असंख्य अवतार हैं, और इन सारे अवतारों में जो सारे अवतारों के स्रोत हैं, एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये सारे अवतारों के स्रोत भगवान श्री कृष्ण हैं जो स्वयं भगवान हैं, और ये जितने सारे अवतार आते हैं वो भगवान कृष्ण के एक एक अंश या कला है। तो इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी वही बात कहते हैं, सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान ताहर द्वितीय देह श्री बलराम।
तो भगवान श्री कृष्ण के द्वितीय शरीर है श्री बलराम जी। इसलिए कृष्ण और बलराम में कोई अंतर नहीं है, एक ही स्वरूप दो हैं, भिन्न मात्र का है। कृष्ण और बलराम एक ही स्वरूप है किंतु उनका शरीर भिन्न भिन्न है, एक श्याम वर्ण एक गौर वर्ण। तो श्री बलराम जी गौर वर्ण है और भगवान कृष्ण श्याम वर्ण, केवल वर्ण में भेद है किंतु स्वरूप एक ही है। और भगवान कृष्ण ने अपने को बलराम स्वरूप में क्यों विस्तार किया है, तो कहते हैं आद्य काय विह कृष्ण लीलार सहाय, कि बलराम जी जो आद्य विस्तार रूप है, सर्वप्रथम विस्तार रूप भगवान कृष्ण, ये कृष्ण की लीला में सहायक बनने के लिए ये बलराम जी प्रकट हुए हैं। तो कहते हैं कि श्री बलराम गोसाई मूल संकर्षण पंच रूप धरि करे न कृष्ण सेवन। तो भगवान कृष्ण की लीला में किस प्रकार बलराम जी सहायक होते हैं, वो सेवा करके, भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं बलराम जी। क्योंकि जब हम कहते हैं कि कृष्ण जगत गुरु हैं और सर्व आराध्य हैं, सबके पूज्य हैं, तो उनके प्रति सेवा भाव को, भाव की शिक्षा कौन प्रदान करेगा। यद्यपि हम देखते हैं कि चैतन्य लीला में भगवान कृष्ण स्वयं भगवान होते हुए भी भक्त के रूप में अवतरित हो रहे हैं कलिजुग के लोगों को भक्ति की शिक्षा देने के लिए, सेवा की शिक्षा देने के लिए, तो उस प्रकार सारे बद्ध जीवों को सेवा की शिक्षा देने के लिए भगवान कृष्ण अपने को विस्तार करते हैं बलराम जी के रूप में। और बलराम जी किस प्रकार कृष्ण की सेवा करते हैं और कृष्ण को आनंद प्रदान करते हैं, यही बलराम जी की आचार्य लीला है। इसलिए बलराम जी को गुरु तत्व भी कहा गया कि भगवान श्री कृष्ण ये आचार्य लीला नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो स्वयं भगवान है, तो ये आचार्य लीला बलराम जी कर रहे हैं। आचार्य जो आचरण करके सिखाता है दूसरों को, तो कृष्ण की सेवा का आचरण स्वयं बलराम जी करते हैं, सेवा करते हैं और सारे संसार को शिक्षा देते हैं। इसलिए बलराम जी को गुरु तत्व कहा गया है, वो गुरु का कार्य कर रहे हैं, आचार्य का कार्य कर रहे हैं, स्वयं करके शिक्षा देते हैं, केवल बोलना, बोल करके शिक्षा देना वो जितना प्रभावशाली नहीं होता है, स्वयं आचरण करके शिक्षा देना बहुत प्रभावशाली होता है। और यही गुरु का कार्य भी है कि गुरु स्वयं आचरण करे और शिष्यों को शिक्षा प्रदान करे। तो बलराम जी पांच रूप में कृष्ण की सेवा करते हैं, पंच रूप धरि करे कृष्ण र सेवन, पांच रूपों में कृष्ण की सेवा करते हैं। तो किस प्रकार, आपने करे न कृष्ण लीलार सहाय, सृष्टि लीला कार्य करे धरि चारिकाय। तो स्वयं बलराम के रूप में बलराम जी भगवान कृष्ण की लीला में सहायक होते हैं। किस प्रकार सहायक होते हैं, जैसे हम अभी बता रहे थे कि
सर्वप्रथम बलराम जी आचार्य लीला करते हैं, क्योंकि कृष्ण जगत गुरु हैं, तो उनके विस्तार रूप के रूप में ये गुरु का कार्य कर रहे हैं बलराम जी, शिक्षा देते हैं। और उसके साथ साथ कृष्ण की सेवा की शिक्षा दे रहे हैं, यही गुरु का कार्य है कि कैसे कृष्ण की सेवा की जाए, स्वयं करके सिखाते हैं। तो कृष्ण लीला में बलराम जी यद्यपि ज्येष्ठ भ्राता थे, किंतु ये कृष्ण की सेवा तीन तरह से करते थे। कभी कभू गुरु, कभू सखा, कभू भृत्य लीला। कभी बलराम जी गुरु का कार्य करते थे ज्येष्ठ भ्राता के रूप में, कृष्ण को शिक्षा देते थे, कृष्ण ये करो वो करो। कभी सखा के रूप में क्रीड़ा में सहायक होते थे और कृष्ण को आनंद प्रदान करते थे। और कभी भृत्य लीला करते थे, कृष्ण की सेवा स्वयं करते थे। तो वृंदावन लीला में हम देखते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण 3 वर्ष की आयु में वो वन में जाने के लिए उद्यत हुए, उन्होंने इच्छा प्रकट की। नंद महाराज और माता यशोदा ये नहीं चाहते थे कि कृष्ण वन में जाए, क्योंकि कृष्ण उनके लिए प्राण सदृश थे, इसलिए एक पल के लिए भी कृष्ण को दूर भेजना उनके लिए संभव नहीं था। किंतु भगवान श्री कृष्ण जिद पकड़े हुए थे और कह रहे थे कि नहीं, हम जाएंगे वन में। वो बार बार अनुरोध कर रहे थे माता यशोदा और नंद महाराज, क्योंकि भगवान कृष्ण की इच्छा थी कि वो वन में जाएं तो अपने सखाओं के साथ गोचारण के बहाने वो क्रीड़ा करें। गोचारण तो होगा ही, उसके साथ साथ वो सखाओं के साथ क्रीड़ा भी करेंगे। और बच्चे बहुत क्रीड़ा प्रिय होते हैं, सभी लोग जानते हैं कि बच्चे क्रीड़ा में इतने मग्न हो जाते हैं कि खाना पीना भी भूल जाते हैं। तो कभी कभी कृष्ण बलराम ग्वाल वालों के साथ क्रीड़ा करते थे, खाना पीना भूल जाते थे, और माता यशोदा रोहिणी देवी को भेजती थी उनको बुलाने के लिए, और रोहिणी देवी की बातों को नहीं सुनते थे दोनों। जब रोहिणी देवी बोलती थी कि अब खाने का समय हो गया आओ, वो लोग नहीं सुनते थे। तो रोहिणी देवी आकर माता यशोदा जी बोलती थी कि ये लोग हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, तुम जाओ। तो माता यशोदा जाती थी बुलाने के लिए और कई तरह से कृष्ण को मनाती थी। तो इस प्रकार वो खाना पीना से भूल जाते हैं बच्चे, और कृष्ण चाहते थे कि ये लीला करेंगे स्वतंत्र रूप से, अपने बाल सखाओं के साथ वन में लीला करेंगे। तो अंत में क्योंकि माता यशोदा और नंद महाराज ये कृष्ण को असंतुष्ट करना नहीं चाहते थे, क्योंकि कृष्ण उनके प्राण से भी प्रिय थे और उनको हर तरह से सुखी करना चाहते थे। वस्तुतः जो हमारा प्रिय है उसको हम कभी असंतुष्ट करना नहीं चाहते। तो माता यशोदा ने बलराम जी को बुलाया और बलराम जी से कहा कि बलराम, तुम कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता हो, इसलिए तुम जब
वन में कृष्ण जाएगा तुम उसके साथ साथ रहना, कभी अकेला कृष्ण को छोड़कर कहीं अन्यत्र नहीं जाना। ये दायित्व, ये भार अर्पित किया था माता यशोदा ने बलराम जी को, क्योंकि वो ज्येष्ठ भ्राता थे। इसलिए बलराम जी जब भी वन में जाते थे कृष्ण के साथ साथ रहते थे, और जब कभी कृष्ण के ऊपर कुछ असुरों का आक्रमण हुआ उस समय बलराम जी साथ में नहीं थे, उस दिन वो नहीं गए थे वन में। तो जो भी हो, ये गुरु का कार्य करते हैं बलराम जी कृष्ण के संरक्षण के लिए। यदि भी कृष्ण भगवान है और बलराम जी इस बात को जानते भी हैं, किंतु कृष्ण उनके सर्वाधिक प्रिय है, इसलिए कृष्ण को वो कभी कभी उपदेश देते रहते थे, कृष्ण ये करना ये नहीं करना, तो गुरु का कार्य करते थे कृष्ण के लिए, और सखा के रूप में क्रीड़ा करते थे कृष्ण के साथ। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि कृष्ण को चिढ़ाने के लिए बलराम जी भी ग्वाल वालों के साथ हो जाते थे और चिढ़ा करके उनको आनंद देते थे, ये उनका उद्देश्य था। तो जब एक बार ग्वाल वालों ने माता यशोदा से अभियोग किया, कृष्ण ने मिट्टी खाई है, तो माता यशोदा ने कृष्ण से पूछा कि कृष्ण तूने मिट्टी खाई है? तो कृष्ण कहा, नहीं माता, हमने तो मिट्टी नहीं खाई है। तो माता यशोदा ने कहा कि तुम्हारे ग्वाल बाल सखा सब बोल रहे हैं तुमने मिट्टी खाई है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि माता, आज हम खेल रहे थे और खेल में ये हमारे ग्वाल बाल सखागण मुझसे हार गए, इसलिए मुझसे चिढ़ करके ये लोग मेरे नाम से झूठ में अभियोग किया है, ये सब झूठ बोल रहे हैं। तो माता यशोदा ने कहा कि अच्छा, यदि ये सारे ग्वाल बाल तुम्हारे नाम पर झूठ बोल रहे हैं, किंतु तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता बलराम ये भी बोल रहा है कि तुमने मिट्टी खाई है। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि माता, मैं क्या करूं, आज दाऊ जी ने हमारे सखाओं का पक्ष ले लिया है। तो ये कभी कभी बलराम जी पक्ष ले लेते थे ग्वाल वालों के। तो माता यशोदा ने कहा कि कृष्ण, अच्छा ठीक है, सभी लोग झूठ बोल रहे हैं, तुम अकेला सच बोल रहा है, तो तुम्हारा मुंह खोलो, मैं देखूं तुम्हारे मुंह पर मिट्टी है या नहीं। तो भगवान कृष्ण कहे कि ठीक है, देख लो। उन्होंने अपना मुख खोल दिया तो उसके भीतर माता यशोदा मिट्टी के स्थान पर सारे विश्व ब्रह्मांड का दर्शन कर रही है भगवान कृष्ण के मुख के भीतर। तो वो आश्चर्यचकित हो गए कि ये कैसे संभव है, मेरा छोटा सा लाला इसके मुख के भीतर ये विश्व ब्रह्मांड कहाँ से आ गया, ये मेरे आंखों का भ्रम है। आंख मल करके फिर देखती है तो सारा विश्व ब्रह्मांड के साथ अपने को भी देखती है, नंद महाराज को भी देखती है कृष्ण के मुख के भीतर। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण क्रीड़ा करते हैं ग्वाल बालों के साथ, और बलराम जी भी क्रीड़ा में आनंद प्रदान करते हैं भगवान कृष्ण को सखा रूप में। और कभी कभी भगवान कृष्ण जब थक जाते थे वन में क्रीड़ा करते हुए, तो वो एक वृक्ष के नीचे लेट जाते थे, किसी सखा की गोद में अपने माथा रख करके, और दूसरे सखा लोग कोई पंखा कर रहा था, कोई
उनकी चरण सेवा कर रहा था, तो बलराम जी भी उस समय कृष्ण की सेवा में लग जाते हैं, भृत्य की सेवा करते हैं। तो इस प्रकार हर तरह से बलराम जी कृष्ण को आनंद प्रदान करना चाहते हैं सेवा के द्वारा, यही उनका एकमात्र उद्देश्य है। तो बलराम जी इस प्रकार हर तरह से कृष्ण को आनंद प्रदान करने के लिए प्रयास करते हैं और कभी भी कृष्ण के विरोध में नहीं जाते। ये तो क्रीड़ा में एक उदाहरण जो दिया हमने, खेल में, ये तो कृष्ण को भी आनंद प्रदान करने के लिए, किंतु बलराम जी कभी कृष्ण के विरोध में नहीं जाते। कभी कभी ऐसा होता है कि बलराम जी कुछ चाहते हैं और कृष्ण कोई दूसरी बात चाहते हैं, तो उस स्थिति में बलराम जी कृष्ण की बात ही मानते हैं, अपनी बात को छोड़ देते हैं। इस प्रकार सुभद्रा हरण के समय हुआ था, क्योंकि कृष्ण चाहते थे सुभद्रा को अर्जुन को प्रदान करने के लिए और बलराम जी चाहते थे दुर्योधन को प्रदान करने के लिए, तो इसमें मतभेद हो गया था। और अंत में बलराम जी को कृष्ण के प्रस्ताव पर राजी होना पड़ा, क्योंकि वो कृष्ण के विरुद्ध नहीं जा सकते। तो इस प्रकार हर समय बलराम जी कृष्ण की सुरक्षा में लगे रहते थे और माता यशोदा ने तो दायित्व दिया ही था, तो कृष्ण की सुरक्षा में लगे रहते थे और इस प्रकार उनकी लीला में सहायक होते थे और उनकी सेवा स्वयं करते थे। और सृष्ट्यादि का लीलातार आज्ञा पालन, इसके साथ साथ बलराम जी सृष्टि लीला में भी भगवान कृष्ण के सहायक होते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं इस सृष्टि कार्य करने के लिए, तो बलराम जी के माध्यम से करते हैं, बलराम जी अपने को विस्तार करते हैं। तो बलराम जी का जो पहला विस्तार रूप है ये चतुर्विह अवतार है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। तो इन चतुर्विहों से जो संकर्षण है उनसे नारायण आते हैं, वैकुंठ के नारायण, संकर्षण से नारायण विस्तारित होते हैं और वैकुंठ के नारायण से पुनः द्वितीय चतुर्विह, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये आते हैं। तो द्वितीय चतुर्विह में जो संकर्षण है उनको महासंकर्षण कहा गया है, जो सारे जीवों के आश्रय है महासंकर्षण, और उनसे ये आते हैं विष्णु, कारण दक्षाय विष्णु, जो सृष्टि का कार्य करते हैं। तो कारण दक्षाय के लोम कुप से असंख्य ब्रह्मांड निकलते, तो कारण दक्षाई कारण सागर में शयन करते हैं, असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं और उस ब्रह्मांड में अंधकार भरा रहता है, कोई सृष्टि कार्य नहीं हो सकता क्योंकि ब्रह्मांड अंधकारमय है। इसलिए ब्रह्मांड में सृष्टि कार्य प्रारंभ करने के लिए भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में अपने को विस्तार करते हैं और हर ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, तब जाकर ब्रह्मांडों में सृष्टि का कार्य संभव होता है, अन्यथा सृष्टि का कार्य संभव नहीं हो सकता। इसलिए हर ब्रह्मांड में एक एक गर्भोदक साई विष्णु है, जिनके शरीर से जो स्वेद निकलता है पसीना, उस जल से ब्रह्मांड का आधा भर जाता है और गर्भोदक साई विष्णु उसमें शयन करते हैं
और उनकी नाभि से जो कमल उत्पन्न होता है उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी आविर्भूत होते हैं। तो हर ब्रह्मांड में इस प्रकार सृष्टि की क्रिया प्रारंभ होती है। और जब जीवों की सृष्टि करते हैं तो हर जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में भगवान प्रवेश करते हैं। तो वही गर्भोदक साई विष्णु क्षीरोदक साई विष्णु के रूप में हर जीवों में ये परमात्मा के रूप में प्रवेश करते हैं। तो इस प्रकार ये सृष्टि का कार्य चलता है। तो ये बलराम जी इस प्रकार अपने विस्तार विष्णुओं के रूप में भगवान के सृष्टि लीला में सहायक होते हैं। तो ये तीन प्रकार के विष्णु हुए और चौथा जो अवतार है विस्तार रूप है बलराम जी का वो है अनंत शेष। और शेष जी जो है ये सर्व रूपे आस्वादय कृष्ण सेवानंद, इस प्रकार बलराम जी हर तरह से कृष्ण की सेवा का आनंद आस्वादन करते हैं। और अनंत शेष के रूप में अनंत शेष ये भक्त अवतार है। तो अनंत शेष के रूप में बलराम जी कृष्ण की विविध सेवा करते हैं। एक तो अनंत शेष अपने अनंत मुखों से अनंत काल से भगवान के अनंत गुणों का गान करते आ रहे हैं और वो गुणगान अभी भी चलता है, वो समाप्त नहीं कर पा रहे हैं। भगवान के इतने गुण हैं कि अनंत शेष अनंत काल से गुणगान करते हुए भी भगवान के गुणगान को समाप्त नहीं कर सकते। तो इस प्रकार निरवधि गुणगान अंत नहीं पान, तो नित्य निरंतर अनंत शेष भगवान के अनंत गुणों का गान कर रहे हैं फिर भी उन गुणों का अंत प्राप्त नहीं कर पा रहे। और ये अनंत शेष और क्या करते हैं कि भगवान के छत्र बन जाते हैं। हम जब भगवान को लेते हैं प्रसेशन में तो छत्र धारण करते हैं, या भगवान जब सिंहासन पर बैठे हुए हैं उनके ऊपर छत्र रहता है श्वेत छत्र। तो ये जो छत्र होता है ये अनंत शेष का विस्तार रूप है। और केवल छत्र नहीं, जितनी सारी वस्तुएं भगवान की सेवा में प्रयुक्त होती है ये सारी वस्तुएं अनंत शेष के विस्तार रूप है। छत्र अनंत शेष के विस्तार रूप है। भगवान पादुका पहनते हैं, वो पादुका भी अनंत शेष का विस्तार रूप है। भगवान सिंहासन पर बैठते हैं, वो सिंहासन भी अनंत शेष का विस्तार रूप है। भगवान जो यज्ञोपवीत जनेऊ धारण करते हैं वो जनेऊ भी अनंत शेष का विस्तार रूप है, वो अनंत शेष है। और भगवान जिस आसन पर बैठते हैं ये आसन भी अनंत शेष का विस्तार रूप है। भगवान का जो मंदिर है आवास ये भी अनंत शेष का विस्तार रूप है। तो भगवान का मंदिर
ये अनंत शेष है। भगवान जो पात्र में भोजन करते हैं ये अनंत शेष का विस्तार रूप है, थाली लोटा आदि सब अनंत शेष के विस्तार रूप है। और इस प्रकार भगवान जिसमें सोते हैं, सया, तकिया, ये सब अनंत शेष के विस्तार रूप है। ऐसे तो स्वयं अनंत शेष भी भगवान के सया बन जाते हैं। तो भगवान जब क्षीर सागर में शयन करते हैं अनंत नाग की सया पर, तो अनंत से स्वयं सया बन जाते हैं। और भगवान का जो वस्त्र पहनते हैं ये वस्त्र भी अनंत शेष का विस्तार रूप है। तो इस प्रकार अनेक रूपों में अनंत शेष अपने को विस्तार करते हैं कृष्ण की सेवा के लिए। और कृष्ण की सेवा की शेषता अर्थात सेवा का अंत, कृष्ण र शेषता पाया शेष नाम धरे, इनको शेष कहाँ क्यों कहा गया है? बलराम जी का जो विस्तार रूप कृष्ण की सेवा कर रहे हैं उनको अनंत शेष कहा गया। शेष क्यों कहा गया है? तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि कृष्ण की सेवा की शेषता अर्थात अंत को ये प्राप्त हुआ है, इसलिए इनका नाम शेष है। अर्थात अनंत शेष के समान कोई सेवा नहीं कर सकता। ये सेवा के चरम शिखर तक पहुंचे क्योंकि स्वयं बलराम जी के विस्तार रूप हैं, तो इसलिए ये शेष अवतार है। कृष्ण की सेवा का शेष अर्थात अंत को ये प्राप्त हुए। अब कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि यही बलराम जी पूर्व जन्म में राम अवतार में ये लक्ष्मण थे और राम के कनिष्ठ भ्राता थे। तो राम का जो चरित्र है ये सब अत्यंत दुखपूर्ण चरित्र है, भगवान राम का चरित्र कि भगवान रामचंद्र कैसे राजा बनने जा रहे थे किंतु उनको वनवास का आदेश मिला, 14 साल का वनवास का आदेश, और वन में फिर अपनी पत्नी की चोरी हो गई, रावण ने हरण किया सीता देवी का, और सीता देवी को प्राप्त करने के लिए भगवान रामचंद्र ने कितना कष्ट उठाया। तो ये सब जो भगवान रामचंद्र का चरित्र है सब दुख का कारण है। माता सीता के विरह में भगवान रामचंद्र क्रंदन कर रहे थे। यद्यपि वो स्वयं भगवान हैं, जानते थे इस बात को, किंतु नर लीला कर रहे थे इसलिए क्रंदन कर रहे थे। तो जो भी हो, और लक्ष्मण भगवान रामचंद्र का ये दुख देख नहीं सकते थे, किंतु छोटे भ्राता हैं इसलिए भगवान रामचंद्र जो आदेश देते थे लक्ष्मण को करने के लिए, लक्ष्मण को पालन करना पड़ता था। और भगवान रामचंद्र के साथ उनको दुख सहन करना पड़ता था। और सबसे बड़ा दुख लक्ष्मण का था रामचंद्र के साथ वन में भटकने का दुख, तो उन्होंने सहन किया और 14 वर्ष तक वो सोए नहीं थे और खाए भी नहीं थे।
इतना बड़ा व्रत उन्होंने पालन किया था, किंतु अंत में जब भगवान रामचंद्र ने आदेश दिया लक्ष्मण को सीता जी को वन में छोड़कर आने के लिए, जब माता सीता गर्भवती थी, तो उस समय उनको वन में छोड़ने के लिए रामचंद्र ने आदेश दिया था, और ये आदेश लक्ष्मण के लिए असह्य था। जबकि भगवान रामचंद्र जानते थे, लक्ष्मण भी जानते थे कि माता सीता से पतिव्रता और कोई स्त्री नहीं हो सकती, किंतु एक धोबी के कहने पर उसको संतुष्ट करने के लिए भगवान रामचंद्र ने इतना बड़ा त्याग किया, अपनी गर्भवती पत्नी को वन में विसर्जित किया। तो ये आदेश लक्ष्मण के लिए बहुत कठिन था पालन करना, इसलिए लक्ष्मण ने सोचा कि और किसी जन्म में ये छोटा भ्राता नहीं बनना है, कनिष्ठ भ्राता नहीं बनना है, ये बहुत कठिन कार्य है। ज्येष्ठ भ्राता का आदेश पालन करना पड़ता है, और ऐसा कठोर आदेश जो अपने विवेक के विपरीत है, उसको पालन करना पड़ता है। इसलिए लक्ष्मण ने सोचा कि आप कनिष्ठ भ्राता नहीं बनना है, तो अगले जन्म में इसलिए कृष्ण लीला में वो ज्येष्ठ भ्राता बनकर आए, कि भगवान का इस प्रकार कठोर आदेश अब उनको पालन करना नहीं पड़ेगा। तो ज्येष्ठ भ्राता के रूप में आकर उन्होंने हर तरह से कृष्ण को सुख प्रदान करने का प्रयत्न किया। राम अवतार में लक्ष्मण उन्होंने भी प्रयत्न किया, किंतु भगवान रामचंद्र को तरह तरह के दुख सहन करने पड़े और लक्ष्मण कुछ कर नहीं पाए। भगवान रामचंद्र के साथ उनको भी दुख सहन करना पड़ा, किंतु कृष्ण लीला में भगवान बलराम ने हर तरह से कृष्ण को सुख प्रदान किया और उनकी इच्छा पूर्ण हुई बलराम जी के रूप में। तो वही बलराम जी भगवान कृष्ण से 8 दिन बड़े थे, यद्यपि ये माता देवकी के सप्तम गर्भ में आए थे, किंतु बलराम जी की जो नित्य माता है ये रोहिणी देवी है, रोहिणी देवी बलराम जी की नित्य माता है। किंतु देवकी के जो 6 पुत्र पहले आए थे और कंस ने जिनका वध किया था, तो ये 6 पुत्र वस्तुतः असुर थे, ये श्रापग्रस्त होकर आए थे देवकी के पुत्र के रूप में, और कंस जो पूर्व जन्म में कालनेमी नामक राक्षस था, इस कालनेमी के ही ये 6 पुत्र थे पूर्व जन्म में, जो देवकी के पुत्र के रूप में आए, तो ये पूर्व जन्म में कालनेमी के ही पुत्र थे और कंस कालनेमी था, इसलिए कंस ने जब वध किया इन 6 पुत्रों को देवकी का पुत्र मानकर, ये वस्तुतः कंस के ही पुत्र थे पूर्व जन्म के। तो ये असुर जो आए थे देवकी के पुत्र के रूप में, यद्यपि देवकी देवी का शरीर दिव्य है, वो कभी दूषित नहीं हो सकती, किंतु जो देवकी का गर्भ है इसमें पहले असुर लोग आए थे, इसलिए इस गर्भ को शुद्ध करने के लिए
स्वयं बलराम जी देवकी के गर्भ में आविर्भूत हुए सप्तम गर्भ के रूप में। और जब देवकी देवी का सप्तम गर्भ सातवां महीना हो गया तो उस समय देवकी के गर्भपात हुआ। तो मथुरा में सभी लोग सोचने लगे कि ये कंस ने कुछ किया होगा जिससे कि देवकी का गर्भपात हो गया, क्योंकि कंस तो ऐसे भी मरता था उसके बच्चों को। तो कंस के ऊपर सब लोग दोष देने लगे, किंतु वस्तुतः यही हुआ था कि कंस जब अत्याचार कर रहा था तो वसुदेव जी की कई पत्नियां थी, तो रोहिणी देवी वसुदेव की ही पत्नी थी और वह 3 मास की गर्भवती थी। तो जब वसुदेव ने देखा कि कंस ने उनको बंदी बना लिया है, तो वसुदेव ने ये व्यवस्था की रोहिणी देवी के लिए उनको ब्रज भेज देने के लिए। तो जिस दिन गोकुल में पौर्णमासी देवी का आगमन हुआ, पौर्णमासी देवी आई मधुमंगल के साथ गोकुल में, तो उसी दिन शाम को वसुदेव जी ने भेजा था रोहिणी देवी को एक घोड़ी के ऊपर बिठाकर गुप्त रूप में नंद महाराज के घर पर भेज दिया था। और उस समय रोहिणी देवी 3 महीने की गर्भवती थी। और क्योंकि वसुदेव जी और नंद महाराज का संपर्क था, पारिवारिक संपर्क, इसलिए रोहिणी देवी आकर नंद महाराज के घर पर रहने लगी और माता यशोदा बहुत प्रसन्न हुई उनको प्राप्त होकर। तो इस प्रकार रोहिणी देवी ब्रज में रह रही थी। जब 7 रोहिणी देवी का गर्भ 7वां महीना हुआ और उधर देवकी देवी का गर्भ भी 7वां महीना हुआ, और देवकी देवी का जो गर्भपात हुआ तो भगवान कृष्ण ने आदेश दिया था योग माया को कि मेरा अंश विस्तार रूप बलराम जी वो देवकी के गर्भ में है, उनको तुम लाकर रोहिणी के घर में स्थापित करना। तो भगवान ने गोलोक वृंदावन में योग माया को यह आदेश दिया था आने से पहले। तो योग माया ने देवकी देवी के गर्भपात कर दिया, अर्थात बाह्य दृष्टि से वो गर्भपात हुआ, किंतु उस गर्भ को योग माया ने लाकर रोहिणी देवी का गर्भपात हुआ और उनके गर्भ में रख दिया देवकी देवी के गर्भ को, और रोहिणी देवी का जो पुराना गर्भ वो नष्ट हो गया। तो इस प्रकार बलराम जी देवकी के गर्भ से रोहिणी देवी के गर्भ में आ गए 7वें महीने में। उसके पश्चात भगवान कृष्ण प्रवेश किए रोहिणी देवकी देवी के गर्भ में, क्योंकि देवकी देवी का गर्भ वो गर्भ का संस्कार हो गया वहाँ अनंत से, इसको छोड़ करके बलराम जी इधर आ गए रोहिणी माता के गर्भ में। तो भगवान श्री कृष्ण आए देवकी के गर्भ में और तब तक बलराम जी का आविर्भाव नहीं हुआ जब तक कृष्ण के आविर्भाव का समय नहीं आया, क्योंकि बलराम जी रोहिणी देवी के घर में प्रतीक्षा कर रहे थे कृष्ण के आविर्भाव की। जब रोहिणी एवं देवकी देवी का गर्भ 7वां महीने का हो गया, 8वें महीने में भगवान कृष्ण का आविर्भाव हुआ
भगवान कृष्ण 10 महीने तक नहीं रहे, तो 8वें महीने में जब आविर्भाव का समय आया उसके ठीक 8 दिन पहले, आज का दिन जैसे पूर्णमासी है और 8 दिन के बाद जन्माष्टमी आएगी, भगवान कृष्ण का आविर्भाव होगा। तो भगवान बलराम ने जब देखा कि अब कृष्ण का आविर्भाव होने वाला है, तो अपने माता के गर्भ में, रोहिणी के गर्भ में बलराम जी 14 महीने तक रहे, भगवान श्री कृष्ण 7 महीने तक रहे देवकी के गर्भ में, 8वें महीने में उनका आविर्भाव हुआ, और बलराम जी इधर रोहिणी के गर्भ में 14 महीने तक रहे, प्रतीक्षा कर रहे थे कृष्ण के आविर्भाव की। तो कृष्ण के आविर्भाव से 8 दिन पहले आज के दिन भगवान बलराम जी का आविर्भाव हुआ। जय श्री भगवान बलराम की, जय श्री भगवान बलराम की, जय श्री भगवान बलराम की। तो जब भगवान बलराम का आविर्भाव हुआ तो रोहिणी के गर्भ से तो चारों ओर ब्रज में आनंद छा गया, क्योंकि बलराम जी देखने में बहुत सुंदर थे, गौर वर्ण शरीर और बहुत हृष्ट पुष्ट शरीर है, इसलिए उनको बल कहा गया है, बलराम, और देखने में राम अर्थात जो बहुत सुंदर, देखने में सुंदर है, उनमें बल भी है और देखने में सुंदर भी है। तो इस प्रकार बलराम जी का जब आविर्भाव हुआ सभी लोग प्रसन्न हो गए ब्रज में कि रोहिणी देवी ने ऐसे पुत्र को जन्म दिया है जो बहुत सुंदर और आकर्षक है। तो सभी प्रसन्न थे, किंतु बलराम जी जड़वत आचरण कर रहे थे, यद्यपि वो जड़ नहीं थे किंतु जड़वत आचरण कर रहे थे। इसलिए आचरण कर रहे थे कि भगवान कृष्ण का आविर्भाव अभी तक नहीं हुआ है, और भगवान कृष्ण के दर्शन के बिना बलराम जी को कुछ अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वो जड़वत आचरण कर रहे थे, जैसे कुछ वो नहीं देख रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, इस प्रकार का आचरण कर रहे थे। तो ब्रज के लोग यद्यपि बलराम जी के आविर्भाव से प्रसन्न थे, किंतु उनको ये दुख था कि इतना सुंदर बालक का आविर्भाव हुआ है किंतु वो जड़वत आचरण कर रहा है। तो ये दुख के कारण सभी दुखी थे, किंतु जबकि भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा के गर्भ में थे तो यद्यपि सभी लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण देवकी के पुत्र हैं, देवकी के घर में थे, और एक समय वो इधर माता यशोदा के घर में थे, ब्रजनंदन कृष्ण, और देवकी के घर में जो थे ये वासुदेव कृष्ण थे। ये जीव गोस्वामी ने इसका वर्णन किया है। तो जब कभी बलराम जी जाते थे माता यशोदा की गोद में तो बहुत प्रफुल्लित हो जाते थे, आनंदित हो जाते थे भगवान कृष्ण का स्पर्श पाकर। तो इस प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव हुआ तो बलराम जी पूर्ण रूप से अपने स्वरूप में आ गए, और जड़वत आचरण जो पहले कर रहे थे ऐसा उन्होंने नहीं किया, वो भी अत्यंत आनंदित होकर
कृष्ण को देखकर वो सदा सर्वदा प्रसन्न रहते थे बलराम जी। तो इस प्रकार कृष्ण और बलराम ये दोनों एक साथ उनकी बाल्य लीला प्रारंभ हुई ब्रज में, और बाद में गर्गाचार्य जी आए थे जिनका नामकरण करने के लिए कृष्ण बलराम का गोशाला में गुप्त रूप में। तो ये आगे की लीला, महाराज जी आए हुए हैं शिल प्रबंध स्वामी महाराज जी, वो आगे की लीला आप लोगों को बताएंगे। हरे कृष्ण।